ठीक है तो हमें बस उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे आई बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन इन द नेक्स्ट टू टू एंड हाफ मंथ ठीक है सो इज स्टार्ट साउंड ठीक आ रहा है ना सो एज ऑल ऑफ यू नो श्रुति वॉज ऑल्सो आर स्टूडेंट लास्ट ईयर ठीक है ना शी वॉज एबल टू स्कोर मोर देन थ्री हंड्रेड मार्क्स तो वही टारगेट लेके हम चलते हैं बट आई वॉन्ट मोर ऑफ यू टू डू दिस एक दो निकल जाए उससे मन नहीं पड़ता ठीक है ऐसा होना चाहिए कम से कम ट्वेंटी थर्टी परसेंट बैच तो वहाँ तक पहुंचना चाहिए देन आई थिंक ये ओके माई हार्ड वर्क इज पेंग ऑफ अदरवाइज जस्ट लाइक देखो टीचर का जो मेहनत होगा ना इवेंचुअली इट विल भी टेन परसेंट नब्बे परसेंट किन लोग हैं आप सबका है तो इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिकली अपॉन यू उसके लिए तो मैं आप बोल भी नहीं सकता कि मुझे क्रेडिट दो नहीं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मेन आपके ऊपर है वो चीज तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट टू स्पेसिफिक थिंग्स फर्स्ट व्हाट शुड नॉट बी डन बिकॉज व्हाट विल हैपन ऑल ऑफ अस आर वेरी गुड एक्सपेरिमेंटर्स है ना पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करते आए एक बुक से नहीं हुआ दूसरी बुक पढ़ ली तीसरी बुक पढ़ ली चौथी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी विच आई एम टेलिंग यू इन द बिगिनिंग डिस्कस क्या करना है वट इज द पास्ट ईयर ट्रेंड एंड स्पेसिफिकली की थिंग्स टू रिमेंबर स्पेसिफिकली फॉर नेक्स्ट टू टू एंड हाफ मंथ उसके बाद भूल जाना कोई मतलब नहीं है आप और मैं बैठ के खुद से एंजॉय करेंगे ठीक है बट टिलन यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स इज इट क्लियर टू टेल मी आप सब लोगों से पूछ लेता हूँ मैन्यूफ यू रिटन मीन प्रीवियसली कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वट आर दिंग्स डेट वी शुड अवॉइड i'm asking this question with respect to option so tell me the things that should be avoided at this point of time sure. yes equal focus on all topics

फर्स्ट थिंग ओके इक्वल फोकस ऑन ऑल टॉपिक शुड नॉट बी देर यू हैव टू डिफरेंशिएट ठीक है ना ये इक्वालिटी वाला टाइम नहीं है कि हर टॉपिक को इक्वल इक्वल टाइम देंगे दीज आर नॉट द टाइम्स जहां पर आप बैठ के ये सोचोगे कि हर टॉपिक करना है नो no, टॉपिक करना है बट कितना किसी चीज को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा किसी के लिए सिर्फ हम सरफेस लेवल काम करेंगे बट दो डिटेल उसको बहुत अच्छे से करेंगे इफ एनी ट्रिकी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट टॉपिक विल बी एबल टू हैंडल इट इज इट क्लियर दिस इज फर्स्ट थिंग ठीक है ना कि अवॉइड करना है कि यू शुड नॉट गिव इक्वल फोकस ऑन ऑल टॉपिक्स सेकेंड डू नॉट गो फॉर टू मेनी स्टैंडर्ड बुक्स मैनी ऑफ यू हैव जस्ट रेड योर फाउंडेशन नोट सम नाउ इफ योअर थिंकिंग अब टाइम आ गया उपिंदर सिंह का उपिंदर सिंह तो, तो लेकर डूब जाएंगे ठीक है इतनी बल्कि बुक्स हैं शेखर बंदोपाध्याय है ले लो ठीक है या फिर बी ए इग्नू पूरा ले लो और इवन रंजन चक्रवर्ती रंजन चक्रवर्ती एक्सेप्शन में मानता हूँ बिकॉज अ वेरी स्मॉल बुक है ना इन इट इज इन नोट फॉर्मेट ऑल्सो ओनली तो वो अगर नहीं पढ़े तो यू कैन डू सो बट दीज स्टैंडर्ड बुक्स अगर पूरा पूरा पढ़ने का सोच रहे हो तो भाई उसी में टाइम निकल जाएगा देखो हर गलती के लिए ना मैंने एक एक मेंस गवाया है टीचर बनने से पहले ठीक है ना मार्क्स लाने से पहले आपको पहले ही समझा रहा हूं ये फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया ठीक है ये जब इसमें इस नहीं आया तो सेकेंड अटैम्प्ट में करते हैं हम क्या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे बट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का टाइम ना पीटी से पहले का होता है तीन महीने पहले खत्म करना होता है नाउ इज नॉट द टाइम टू गो फॉर ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स यस इफ यू थिंक कि भाई सिर्फ उपेंद्र सिंह में कुछ पार्ट आपका पढ़ना बाकी है एंड रेस्ट इज डन प्लीज डू सो बट इफ यू थिंक सारी स्टैंडर्ड बुक पकड़ के अभी रिवाइज कर दोगे तो देखो कुछ भी कंसोलिडेट नहीं होने वाला है इन द एंड सो दिस इज द सेकंड थिंग डू नॉट गो फॉर न्यू सोर्सेस ठीक है सोर्सेस को कन्फाइन करो बिकॉज एनी वे इन सी पी वी आर गोइंग टू कवर अदर सोर्सेस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी हिस्टोरियोग्राफी मैं आपको खुद ही करा दूंगा अब आप खुद से वो करने भागोगे तो फिर परेशानी में रह जाओगे और समझ नहीं आएगा एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम तो मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में सो वी हैव

टू इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले में ट्वेंटी फोर है दूसरे में ट्वेंटी सेवन है तो जब इसको पढ़ाई करोगे तो यू हैव टू सी विच आल्सो विद इन टॉपिक्स आल्सो नॉट ओनली द टॉपिक दरपन सिविलाइजेशन पढ़ लेना पढ़ने को तो उसके अंदर पचास पेज हैं क्या क्या पढ़ोगे फोकस किस पे करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी सो अभी जब जिन लोगों का भी अच्छे से प्रॉब्लम निकल रहा है आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन थिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा ना उनको जल्दी से अगले बीस दिन में पढ़ लो फिर बाकी ऑप्शन के बारे में यस yes, यस yes. फिर बाकी ऑप्शन के बारे में सोचना कि बाकी ऑप्शन में ये भी रह गया है वो भी रह गया वो टॉपिक्स हम करेंगे बट वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी दिस विल नॉट बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन आर वर्क आग बनकर करके काम नहीं करेंगे अच्छे से पढ़ाई करना है सो यू हैव अराउंड टॉपिक्स तो उसको डिफरेंशिएट करना ठीक है एनी व डिस्कस्ड फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे टॉपिक्स के बीच में सेकेंड सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का ठेका अभी नहीं लेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डू नॉट शाई अवे फ्रॉम आंसर राइट एंड दिस हैपन्स यूल राइट वन टेस्ट आई गिव यू फीडबैक वापस उसके बाद आप मुझसे मेन्स पे आके मिलोगे दिस है ठीक है ना ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे हर बार के पहला टेस्ट देंगे मेरा फीडबैक भी पूरा फीडबैक ले लेंगे मुझसे ये भी है ये भी है मैंने अच्छे से समझाया भी कि नहीं नहीं ये, ये चीजें करनी है एंड देन दे विल डू टू देन मीट आफ्टर मेज कि सर वो ना फिर बाद में ना फ्लो नहीं बन पाया पता नहीं कौन सा फ्लो रहता है लोगों का भाई आपको बहुत सोच समझ के काम करना है इट्स नॉट लाइक कि भाई हम सारी चीजें बस हवा में करेंगे इफ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लेट्स बी अश्योर ढाई सौ से ऊपर नंबर तो वैसे भी नहीं आने वाले

बट इफ फॉर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट पहले में भी आपके सौ के आसपास आ रहे हैं दूसरे में भी एक सौ दस के आसपास आ रहे हैं डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है ऑल दो हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स टू सिक्सटी टू सेवेंटी या फिर इवन थ्री हंड्रेड तक गए सब ने कम से कम आठ से दस टेस्ट लिखे हैं एंड दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू ओके बट डू नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू राइट पर डे कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आपको ऑप्शनल के लिखने का टारगेट लगना है अगर पर डे दो तीन नहीं हो सकते वीकली एटलीस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन किसी दिन चार लिख दिया किसी दिन पांच लिख दिया बट दीज ट्वेंटी क्वेश्चन दिल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिकोइंग टू मार्क दीज आर द एरियाज फ्रॉम वेयर यूपीएससी क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा उसी का पी वाई की उठाओ वो लिख लो कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है खुद की आंसर राइटिंग करने के लिए इज इट क्लियर तो हम क्या नहीं करेंगे विल नॉट है ना हर बार पीट नहीं दिखानी होती आंसर राइटिंग को कि शुरुआत में पूरा जोश होता आंसर लिखूंगा आंसर लिखूंगा और तीन चार दिन बाद सारे आंसर छोड़ के बस अपने अपनी बायोग्राफी लिखूंगा कि मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ नहीं वो काम नहीं करोगे आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे इसके अंदर आई एल बी एबल टू जज यू यार इफ विल कम टू मी कि मेरी हेल्प कर दो तो हेल्प किस किस बेसिस पे करूंगा मेरी अगर आपकी फेस वैल्यू पर नंबर है तो मैं देखते चले तो यार यूपीएससी को रिकमेंड करना था बट दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम कि आपके जो टीचर है प्रोफेसर ने नंबर दिया और चलो ठीक है इंटरनल से काम हो गया नहीं मेरी जीरो वैल्यू रहती है यूपीएससी के सामने ठीक है यूपीएससी में तो बस जाके आपकी जो आंसर शीट है ना एक उसी के बेसिस पे नंबर मिलने उसी के बेसिस पे सारे काम होने वाले हैं ठीक है थर्ड थिंग यू आर नॉट गोइंग टू चीट विद दिस एग्जाम दिस एग्जाम डिपेंड्स अपॉन आंसर राइटिंग ठीक है आई बी टेकिंग फोर क्लासेस फ्रॉम ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव चार आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस होंगी ठीक है ना ये टेस्ट सीरीज के साथ भी है इवन विध क्यू आई पी ऑल्सो सो आई एम गोइंग टू गिव यूट ऑफ थिंग्स हाउ टू राइट आंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो चार दिन आई वुड सजेस्ट जो लोग ऑनलाइन भी है बिकॉज मैनी ऑफ माई स्टूडेंट सब मेरे को मैसेज करते सर आने में टाइम वेस्ट होता है ठीक है कोई बात नहीं आई अंडरस्टैंड बट वट वी कैन डू जब आंसर राइटिंग की क्लासेज होंगी ट्राई टू बी प्रेजेंट हेयर बिकॉज आई कैन सी योर आंसर आंसर राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस रखना इवन इफ यू नो फाइव लेस टॉपिक्स उससे फर्क नहीं पड़ेगा इवेंचुअली बिकॉज इन द एग्जाम हॉल फाइव क्वेश्चन थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक दो टॉपिक कम भी आता होगा बट फर्क किस चीज से पड़ेगा इफ यू डोट नो हाउ टू राइट आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है स्ट्रक्चर बनाना है अगर ये आपका ढांचा ही गलत रहता है हर बार में तो यार क्या नंबर आएंगे बेशक से आप कितनी बार भी टॉपिक पढ़ लो दैट विल नॉट सो वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन दिस आंसर राइटिंग चार सेशन आई विल टेक फ्रॉम 22 टू 25 विल्वेंटी मॉडर्न वर्ल्ड सब पे कुछ कुछ करेंगे वी आर गोइंग टू गिव यू सर्टन गुड इंट्रोडक्शन गुड कंक्लूजन कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ क्वेश्चन क्लास में लिखवाऊंगा सो दैट विल बी लाइक अ वर्कशॉप तो वो जो भी लो आप लोगों अपाना अच्छे से हम उसको कवर करेंगे तो थर्ड थिंग विच वी आर नॉट गोइंग टू डू कि भाई हम आंसर राइटिंग से दूर नहीं भागने वाले ठीक है ये तीन चीजें दिमाग में बस ध्यान से रखो ठीक है एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेसिफिकली बहुत सारे दोस्त मिलेंगे किसी ने कितने टाइम दे रखे किसने क्या कर रखा है हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है दे विल से दिस विल नॉट वर्क ये तो मैंने पिछली बार किया था तू क्या ही कर रहा है ये ठीक है अपनी डेस्टिनी खुद लिखने का सोचो इफ यूल गेट स्वेड बाइड ओपिनियंस ऑफ अदर्स एट दिस टाइम दिस विल बिकम वेरी कॉस्टली अफेयर तो अपने हिसाब से अच्छे से सोच समझ के दिमाग लगा के मेहनत करो और इस स्ट्रेटजी को यू हैव टू लॉक इन इस संडे तक अपनी स्ट्रेटजी को लॉक इन करो डोंट चेंज इट एवरी डे हर पंद्रह दिन में अगर स्ट्रेटजी चेंज होने लग गई तो वह जहां से शुरू हुए वापस वहीं घूम जाओगे ठीक है ना दिस इज कॉल्ड सर्कल ठीक है तो ये बेसिक चार चीजें हैं जो मैं आपको चाहता हूं यू शुड अवॉइड फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट गोइंग टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू एवरी टॉपिक इज इट क्लियर ठीक है वो मैं आपको बता दूंगा आज क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सेकेंड थिंग क्या थी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बुक्स बुक्स अभी सारी नहीं कर पाओगे इफ यू हैव रिवाइज दैट इज़ डिफरेंट मैनी ऑफ यू आई नो एवरी ईयर बहुत सारे लोगों का क्या होता, ना, कि पे होता है ना like कि अच्छा यार अब पढ़ लें कि नहीं पढ़ें पढ़ लें कि नहीं पढ़े मैंने भी एक से ससी खराब किया है बस सारी बुक पढ़ने लग गए जस्ट पंद्रह दिन पहले तक खत्म हुई बुक्स और फिर सोचा अब क्या करना है दैट यू शुड नॉट डू बी वेरी स्ट्रेटेजिक जहां जरूरत हो सिर्फ उतना ही पढ़ना है

के बट इट हैपन्स यू टेक टू मेनी ओपिनियंस इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया एक बार करो अच्छे से और उसी चीज को करते चलो ठीक है थ्री आर द फोर फाइव थिंग्स विच विल अवॉइड स्पेसिफिकली देन कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग्स ठीक है तो हमने पहली चीज डिस्कस कर ली वट शुड नॉट बी डन नाउ विश गोइंग टू डिस्कस वट नीड्स टू बी डन सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेंड एनालिस ऑफ पेपर वन टूडे

At times कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बट ऐसी मत करना जो जीएसट्रीम है और हिस्ट्री ऑप्शनल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ठीक है दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम थर्ड जो होता है कोई भी टेस्ट सीरीज आप करोगे हर किसी में कोई एक्सपर्ट आपके साथ नहीं बैठेगा यू कैन गो टू मेनी इंस्टीट्यूट वहां पर सिर्फ स्टूडेंट रिव्यू करते हैं स्टोरी एक हफ्ता पहले बोलते हैं कितना होता है महीना महीना भी हो जाता है कभी बार लास्ट मेंशन नहीं मिलते विद द मेन फैकल्टी जो आपको चाहिए होते हैं ये काफी सारी मैंने प्रॉब्लम देखी है ओवर दस सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देम किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है बट देखो ये सारी प्रॉब्लम्स है इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज नहीं करनी है ये प्रॉब्लम्स रहती हैं इवन दो वी आर ट्राइंग टू इवॉल्व फर्स्ट थिंग इज रिविजन ऑफ द सिलेबस अब आप लोग खुद से जब सिलेबस को रिवाइज करते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर नॉट एबल टू इवन मेक ए शेड्यूल कि कैसे करनी है बट थ्रू टेस्ट सीरीज लाइक इन बी एबल टू रिवाइज एटलीस्ट ओके एक एग्जाम हॉल डिसिप्लिन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स वेन यू राइट एट होम तो क्या होता है आधा आंसर लिखा एक पेज लिखा और चाय पीने चले गए दोस्त का फोन आ गया ये हो गया वो हो गया दैट डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू नीड टू डेवलप ठीक है बहुत जरूरी है थर्ड रिफाइनमेंट ऑफ आंसर राइटिंग इफ यू सी योर फर्स्ट पेपर एंड इफ यू सी योर लास्ट पेपर अगर पहले वाले पेपर को हेट करना स्टार्ट कर दिया इट मीन यू हैव डन वेल ठीक है सो दैट रिफाइनमेंट ऑफ आंसर राइटिंग इज गोइंग टू हैपन देन मल्टी डायमेंशनलिटी आपके आंसर्स में डलेगी बिकॉज आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो ओवर द दस एंड लास्ट में एम्फोसिस ऑन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एज वेल एज हिस्टोरियोग्राफी तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स होती हैं टेस्ट सीरीज की अब हम जो अभी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च करेंगे दैट विल हैव टेस्ट ठीक है आठ सेक्शन करेंगे दो दो सबके लिए एंशियट से स्टार्ट करेंगे देन विल विल गो गो टू टू मॉडर्न एंड फाइनली वर्ल्ड चार आपके फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं लास्ट में कि एक बार अच्छे से कवर अप कर लो सारे डिस्कशन मैं लूंगा आपके साथ में व्हाट वी आर डूइंग

पीपीटी तो चलती रहेंगी पीपीटी हम शेयर भी कर देंगे दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट वट इज इंपॉर्टेंट यू पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है ठीक है तो बोर्ड पे आप पढ़ोगे क्वेश्चन को एंड देन गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यहां से यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है वी हैव कवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम टिल साल के पेपर हैं सारे सीक्वेंस में लगे हुए क्वेश्चन ओके द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर वन इज हर सिविलाइजेशन ठीक है And now see the kind of questions. आप सामने देखो। We have three questions. 2020 was the only year in which Harappa के ऊपर question नहीं आया, नहीं तो 18 में भी आया, 19 में भी आया, and then again in 21. So only one year, एक ही साल है जिसमें Harappa पे question नहीं आया। You see from 2013 till 2021, every year there is going to be one question. See the first question. Archaeological evidence does not give direct access to the possible social and political dimension of the decline of Harappan civilization. इट मीन्स देर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज वी हैव लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेस तो अब हमारे पास है है या नहीं है नहीं है ठीक है हमारे पास कुछ इंस्क्रिप्शन है ठीक है कुछ रिटर्न है दैट इज नॉट डिसाइफर्ड सो दैट इज समिंग वही लिमिटेशन बता रहे हैं आर्कोलॉजी की ठीक है आर्कोलॉजी डज नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस बताता नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम है वट इट डज इंडिकेट वेरी क्लियर इज दैट हरप्पन कल्चर अंडरवेंट ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन सो इट इज आस्किंग यू नॉट अबाउटेशन मान लिया क्वेश्चन इज मोर लेस आपके डिक्लाइन से रिलेट करके करेक्टर ऑफ डी अर्बनाइजेशन पूछा बिकॉज ऑल अस नो कि वेस्टर्न पार्ट से जो था माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था टुवर्ड ईस्ट ठीक है हरियाणा पंजाब की तरफ गया था और गुजरात साउथ की तरफ आया था तो दैट करेक्टर ऑफ डीजेशनसी के लाइने हैं उठा के देख लेना so, ज्यादा फोकस करना जहां से यूपीएससी इज फ्रेमिंग क्वेश्चन एवरी है दिस इज वन सेकंड डेट द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज एज फॉर द राइज ऑफ हर अपन टाउन एंड सिटीज अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्टली आपसे राइज नहीं पूछ रहा है इट इज आस्किंग चलो ठीक है हराप्पन सिविलाइजेशन का जो बेस था ऑल ऑफ अस नो इफ देर इज नो सरप्लस ऑफ सरप्लसल्चर देर बी एनी अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल राइट दैट इज ऑलवेज देयर तो यहाँ पे यही है द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज ए लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हरपन एंड सिटीज तो आप कौन कौन से लोगों ने रिसर्च की हुई है Who have done रिसर्च की हुई है ना काफी लोगों ने रिसर्च की है कि कहा यस पिकेट एमआर मुगल ने करी हुई है ठीक है ना सो दीज पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च यस सो दीज पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च स्पेसिफिकली ओके एंड फ्रॉम देयर हैज फ्रेम्ड वन क्वेश्चन कि हाउ एग्रीकल्चर एक्टेड एज सपोर्टर ऑफ दी हरपन सिविलाइजेशन टाउन सिटीज राइज कैसे हुए लेवरेज Her, uh, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वह उसी के आसपास से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन सिटीज एंड टाउन्स या फिर अपनी विलेजेस क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होता है

बट वेन एवर यू आर स्टडिंग फर्स्ट टॉपिक फॉर यू इज गोइंग टू बी ऑरिजिन एंडलाइन बिकॉज आपका क्वेश्चन यही से बनकर आएगा आपकी पूरी नॉलेज ऑफ हरप्पन चैप्टर यूपीएससी स्पेसिफिकली विदेक्ट टू दीज ओरियंटेशन उसका आप ओरिजिन के ऊपर बात कर लो या फिर डिक्लाइन सो बी वेरी केयरफुल जब पढ़ाई शुरुआत करोगे तो ऐसे मत करना पूरा हरप्पा का चैप्टर पढ़ने में लगे हुए अच्छा ठीक है ग्राफ्ट क्या थी इनकी मैं मैं वो भी देख लेता हूँ ये क्या था वो क्या था वहां से जब क्वेश्चन ही कम आ रहे हैं ठीक है तो उसको प्रायोरिटी सेकंड मिलेगी फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ पेपर वन विद रिस्पेक्ट टू देंड ऑफ यूपीएससी ऑफ लास्ट यूपीएससीयर्स विल गो इन टू डीपर इस चीज को समझ रहे हो इज दिस क्लियर लेट सी सी टॉपिक वी सो में हर साल क्वेश्चन आता है ठीक है हर साल एक आधा क्वेश्चन आएगा इट कैन बी ब्रॉड

सेम थिंग वॉज प्रोसेस बाय द ब्रिटिश पीपल ऑल्सो की वी डोनोट है इसके ऊपर रोमिला थापर ने रिसर्च किया सिस्टम की कि भाई एक सोसाइटी क्या होती है एक्सटर्नलाइज होती है ठीक है ना एक एम्बेड होती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेट है कौन सा लीनियज बेस्ट सोसाइटी है तो उस तरीके सेन वी आर एबल टू सी की इवन इफ वी डोनोट हैल ट्रेडिशन देर वॉज हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस कहीं पर हमारे सूता मागदास स्टोरी सुनाते थे ठीक है वी ऑल्सो हैव ए ट्रेडिशन ऑफ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका सो ऐसे ऐसे सारी चीजों को आपको इंटीग्रेट करना है और फिर इसके अंदर अपने हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के बारे में बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है इतिहास फिर उसके बाद क्या है पुरान ट्रेडिशन पुरान में पांच पार्ट में डिवाइड करता है इन एवरी पुरान में एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जेनेलोजी ऑफ द किंग स्पेसिफिकली फॉर आर हिस्ट्री क्रिएशन तो उसके ऊपर आपको उसको लिखना है

इंडिया में तो क्या होता है ना कि हम अपने हिसाब से चल जोड़ते बाद में हिस्ट्री बना लेते हैं अच्छा ये हुआ था ठीक है चाइना में क्या होता है साथ में पूरी अच्छे से हिस्ट्री बन के रह जाती है कि अच्छा यही होना है इज इट क्लियर तो उस डिस्टिंगटिव फीचर्स के बारे में बात करनी है दैट्स इट सोर्सिस में यू कैन गेट सच पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो बट इट इज फ्रॉम चैप्टर वन दैट्स वाई आई ऑलवेज से चैप्टर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ हरप्पा अपना उपिंदर सिंह चैप्टर वन को थॉरोली पढ़ना है

टेल मी गिव मी सम्पल्स हाँ मतलब इंस्क्रिप्शन ठीक है हर शास्त्र में नहीं इंडिका में मेगास इंडिका इज कोरोबोरेटेड बाय कुमर एंड बुलंदीबाग वी हैव फाउंड द वुडन पैलिशेट ठीक है गुड देन

देखो, जिकल एविडेंस ऑफन इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेज बट कैन वी ऑलवेज कैन बी से ऑलवेज देर आर सर्टन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इन विच देर आर प्रॉब्लम एंड वन ऑफ दसुति प्रसुति है ना ठीक है ना उनमें कुछ भी बड़ा चढ़ा के लिख दिया है दैट ट्रेडिशन extent टू corroboration which can कैन बी डन the द मोस्टली archaeological sources.

पोजिशन ऑफ वुमेन ठीक है तो दोनों को आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा ठीक है सो वेन यू रीड वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड यू सी देंजेस विद रि पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक इकोनॉमी का जो भी चेंज है चाहे आपका कोई भी डायमेंशन हो उसका बस आपको चेंज पकड़ना पड़ेगा कि इट कैन बी विध रिस्पेक्ट टू रिलीजन ऑल्सो ठीक है या फिर स्पेसिफिकली वर्ना सिस्टम पूछ लिया इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस कर दिया

ये ऐसा क्यों है कि वेदिक के लिए हमें कोई आर्कोलॉजिकल सोर्स नहीं मिलता एंड फॉर हरप्पन लिटरेरी सोर्सेस एक्सप्लेन करो इसको क्या लिखोगे इसमें हरप्पा केस में वी कैन सेफली कि हमारी गलती है हम पार नहीं दे हैव रिटन समथिंग हम पढ़ नहीं पा रहे हैं है ना हाँ केस ऑफ वैदिक

नहीं वो सब मत करो यार ठीक <laughs> <Okay. laughs> है मतलब वी कैन से भाई वो लोग बाहर से सेटल से होके आए थे यह, यहाँ पे आए थे दे माइग्रेटेड फॉर समवेर एल्स ठीक है ना सो इट मींस कि उनको मटेरियल कल्चर डेवलप करने में प्रॉब्ली ज्यादा टाइम लगा है दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कोई बाहर से सेटल से करके आएगा तो अपना घर थोड़ा उठा, उठा के साथ में लेके आएगा इवन दो वो फीचर्स भी आने लग गए हैं ठीक है <laughs> बट इन एंड टाइम्स वैसा कुछ नहीं था सो मटीरियल कल्चर डेवलप करने में इट टेक्स टाइम एंड सेकेंड वट एवर लिटरेरी सोर्सेज में जो मैंशन किया हुआ है क्या पता वो आर्कोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर रहा है ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इनकी उन्होंने यहाँ का सेटलमेंट बताया बट वो सेटलमेंट एग्जैक्टली exactly इसी प्लेस में ना हो इट मे बी लेफ्ट और राइट तो वो कोरोबोरेशन का ऊपर दिक्कत आ रहा हो तो जब भी एक्सप्लेन करने को आना होता है तो यू हैव टू थिंक क्रिटिकली वट ऑल कैन बी डायमेंशन लाइक आपका लॉजिक भी अच्छा है यूपीएससी ने एक बार सिक्सटीन में क्वेश्चन पूछा एरिड रीजन में सकता एक तो इक तो इक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था तो देव इवन इन सेमी एरिड रीजन ठीक है एक है कि पहले वहां पर मॉनसून सिस्टम अच्छा था वेस्टर्न में वो बाद में शिफ्ट हो गया ईस्टर्न में हुआ कैन गिव लॉट ऑफ सच Uh, you can say reasons. So in such questions you have to a bit innovative सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? Because as it is UPSC has not given मतलब well, UPSC कह रहा हूँ, Upendra SINGH has not given any specific answer for such questions. Even though QIP में मैं इन चीजों को लूँगा जहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स को पकड़ेंगे, ठीक है? Third you can see Puranas. ठीक है? पुराणस के ऊपर क्वेश्चन, then religion and last year opposition. So it means वैदिक पीरियड में

यस इफ यू रिमेम्बर तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता बट यहाँ पे अभी देखो दे हैव नॉट जस्ट आज की दुराना के बारे में दे वर द इनोवेटिव जीनर ऑफ लिटरेचर टू पॉपुलराइज एंड रिवाइव वेदिक इक रिलीजन इलेबोरेट विद एग्जाम्पल वट आर द की वर्ड्स ठीक है सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन इनोवेटिव इन वट वे इट वॉज इनोवेटिव के पांच फीचर्स होते हैं वो पांच फीचर्स लिखने लेते इनोवेशन में ठीक है सर्ग प्रति सर्ग मनोवतार वो सारी चीजें ये इनोवेशन है इज इट क्लियर तो वो इनोवेशन पार्ट में आपको मेंशन करना है उसके साथ में देन देर थिंग पॉपुलराइज वाई वर दे ट्राइंग टू पॉपुलराइज दैदिक रिलीजन वट है Yes, because of Shraman tradition which came in India in sixth century BC, the hold of Vedic, है ना वैदिक रिलीजन की जो होल्ड थी दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड पैट्रोनेस किसके पास चली गई थी जैनिज्म एंड बौद्धिज्म बिकॉज़ ऑफ दैट दे वांटेड टू रिवाइव इट दे वांटेड टू पॉपुलराइज इट पॉपुलराइज करने के लिए क्या-क्या उन्होंने पुराना नॉर्मली जो वैदिक रिलीजन था इट वाज नॉट अलाउड ठीक है ना किस-किस के लिए अलाउड नहीं था

इनकारनेशन जो भी हमसे टकराएगा वो हमारा अवतार बन जाएगा ठीक है वेरी पॉपुलर जैसे कि इन्होंने इवन बुद्धा को भी वन ऑफ़ अवतार ऑफ विष्णु बता दिया ठीक है सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ रिवाइवल ठीक है रिवाइव करने को डेस्परेट मीन्स होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करके अपने को ऊपर लेके आना पड़ेगा ठीक है ना सिंकिंग शिफ्ट लिटरेचर में आप डिवाइड कर सकते हो दो टाइप की लिटरेचर थी एक श्रोती थी दूसरी थी स्मृति तो यह स्मृति पार्ट में आता है ठीक है तो पॉपुलराइज में हम सारे पॉइंट लिख सकते हैं पॉपुलराइज करने के लिए वाइड ऑडियंस के पास हम पहुंचे ठीक है अवतार्ट लेके आए और रिवाइवल में आप ऑलरेडी लिख सकते हो सारी चीजें क्यों कर रहे थे बिकॉज फ्रॉम सेंचुरी ऑनवर्ड्स अ डिक्लाइन ऑफ वैदिक रिलीजन और जो पांच सौ छह सौ साल है किसने किसने रूल किया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दैट्स बाई गुप्ता पीरियड देवर रेडी स्क्रिप्ट आ गई थी सब लिखना शुरू गई जितनी पुरान हो सकती थी सारी लिख दी ठीक है सो वी हैव महापुरान्स एंड लोअर पुरान्स ठीक है तो वो सारी चीज आपको इसके अंदर लिखनी है

प्रॉबिलिटी ऑफ सच टॉपिक कमिंग इन द एग् इनक्रीजेस ना मैंने क्या क्वेश्चन तो 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 होंगे हाँ बना देते हैं we'll so, किस टॉपिकाल रहे हैं किस पे नहीं डाल रहे हैं तो एनी वे यहां से क्वेश्चनिटी थोड़ी कम रहेगी आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन So from 6th century BC onwards, you're going to see a lot of questions. So they have asked on republics or the Gana Sangas. Why did the decline? Very easy question in 18. Then they asked the factors that played an important role in the process of urbanization in later Vedic period, after the later Vedic period. And then last they asked one specific question with respect to Alexander the Great. Now why this question has come?

ऑलरेडी एनसीआर पढ़ा होगा आर एस शर्मा उसमें अच्छे से दिया हुआ है इसके बारे में ठीक है बिकॉज उपेंद्र सिंह नॉट कवर सच टॉपिक्स उसमें अच्छे से नहीं कवर किया हुआ है इन टॉपिक्स आपको सिर्फ चार पांच जनरल तो याद रखने ही है ठीक है ना इंपैक्ट आपको पता ही होगा ना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या क्या था नए ट्रेड रूट ओपन हो गए थे ठीक है या फिर इवन जो ट्राइब्स थे ऑल द ट्राइब्स विच लिविंग इन द नॉर्थ डिफीटेड बाई हिज आर्मी एंड दोनियड बाय चंद्रगुप्त मौर्य वो सब चीज तो आप लिख लोगे बट इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो सब शॉर्ट टर्म में था तो ऐसे कोई इंपैक्ट अलेक्जेंडर का है ही नहीं इंडियन हिस्ट्री पे ठीक है ये तो चंगेज खान की तरह बस आए और निकल गए ठीक है यार वो सब कर सकते हैं बट अब हम अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें वो अगर अलेक्जेंडर नहीं आता तो भी बन जाता डालने को डाल लो देखो क्या है ये क्वेश्चन आया है बिकॉज ये नेशनलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्ट्री का थॉट है ठीक है और अगर हम इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के उन चीजों पर जाएंगे तो प्रॉबली वो अलग डायरेक्शन में पहुंच जाएगा पहला अपना कॉलोनियल हिस्टोरियल स्कूल है उसने एक ओपिनियन दे दिया ऑन अलेक्जेंडर उसको काउंटर किसने किया नेशनलिस्ट तो यहाँ पे जब क्वेश्चन का आप हिस्टोरियोग्राफी देखोगे तो ज्यादा फोकस उस चीज पे है कि भाई वी हैव टू री ऑलरेडी यार उन्होंने क्या बोला है they considered him the great so he is the great in european history not in indian history the great ka matlab kya hota hai ashoka the great ka meaning hota hai akbar can we give such kind of uh, you can say status de sakte hai kya alexander ko we cannot give wahan pe aapko argument dena padega na the great banne ke liye direct rule hona chahiye na पास से border से आके निकल गए अब हम Indian history में क्यों द great बोलेंगे आपको European, अकबर को द great थोड़ा ना बोलेंगे अपनी history में

कि दिस वाज द इनडायरेक्ट इंपैक्ट बट डायरेक्ट इंपैक्ट था क्या कुछ कि मतलब आप आओ 326 बीसी के आसपास ठीक है हमारा गंदारा स्कूल स्टार्ट हो गया 200 हंड्रेड बीसी के आसपास सिर्फ 125 साल लगे आपके आने के बाद ठीक है सो दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू से कि बट डायरेक्ट इंपैक्ट एज सच नहीं है अगर अलेक्जेंडर नहीं आता मान लो ठीक है तो ऐसा क्या चेंज हो जाता इफ यू सी द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है ये तो हमने मान लिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंशियट यूरोप एंड एंशियंट इंडिया दे मेट बिकॉज ऑफ अलेक्सेंडर बट आफ्टर दैट कितना इंपैक्ट रहा इंडियन हिस्ट्री पे तो so, हम बस हिस्टोरियोग्राफी की डिबेट में जा रहे हैं नॉट सेइंग कि ये हुआ होगा वो होगा देखो आप और मैं जो भी पढ़ती हूँ किसी का पर्सपेक्टिव है किसी दिन उसका चेंज हो जाएगा तो हमारा भी चेंज हो जाएगा ठीक <laughs> है नेक्स्ट टाइम एनसीआरटी विल बी रिलेटेड आप और मैं कुछ और बातें करेंगे ठीक है हम तो जस्ट कि आर्गुमेंट स्पेस के लिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन यूपीएससी इनमें आपको आर्ग्यूमेंट देने होते हैं इट्स नॉट अबाउट कितना फैक्ट क्या क्या है फैक्ट तो आपको पता ही है वो तो जीएस वाला आंसर बन जाएगा फिर ये ठीक है बट फ्रॉम हिस्ट्री परस्पेक्टिव ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना पड़ेगा किस परस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिक फ्रॉम नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड टली ऐसे क्वेश्चन में वेयर यू आर कंपेयरिंग द ग्रेट द ग्रेट कौन इंडियन हिस्ट्री में एक तो अशोका द ग्रेट है एंड देन अकबर द ग्रेट है कंपेयर करो नाज स्टॉप यू नो बड़ी अशोका को बोल दो अशोका क्या है इंडिया के लिए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वट अलेक्जेंडर हैज डन सो ही कैन बी द ग्रेट इन यूरोपियन हिस्ट्री हमारा अशोका कैन बी ग्रेट इन इंडियन हिस्ट्री yes they came from outside but they became part of india but they could not become part of india unki to army nahi mana kar de wapas chalte hain ghar theek hai ab ladai nahi ladni mujhe anyway so i i think you have understood this is another area जो invasions वाला part है that is important prelims में भी वहां से question बढ़ चुके हैं if you see every year बार बार मंगोल पे question आ रहे हैं ना ऐसा क्या इवेंट होगा पिछले एक दो तो साल में कि यूपीएससी मंगोल के पीछे बढ़ गई है ठीक है वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन इरानियन ठीक है ना बिकॉज देयर वारन ऑन अलेक्सेंडर सो वी कैन एक्सपेक्ट देन एक होता ना कि ऑल वेदर क्वेश्चन बुद्धिज्म एंड जेनिज्मी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम ठीक है लाइक कंसेप्ट ऑफ श्रमनिक रिलीज विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू बुद्धिज्मिषद आइडियाज यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन कंपेयरिंग द फिलॉसफी ऑफ अशोका एज वेल एज बुद्धिज्म विद द उपनिषद प्रिंसिपल सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड उपनिषद आइडिया तब उससे कंपेयर कर पाओगे तो क्या है उपनिषद के आइडिया फोकस ऑन नॉलेज यस वन यस नॉन वायलेंस यस देन मतलब रिचुअल्स से थोड़ा सा दूर चलने लग गए थे रिचुअल फॉर नॉट दैट मोज इंपॉर्टेंट ठीक है ना वट दे वर से रदर देन डूइंग द रिचुअल डायरेक्टी ठीक है तो वो उनका एक परसपेक्टिव आ गया था बाकी बताओ आपको थोड़ा सा उपनिषद दो तीन उपनिषद के ना नाम याद रखने पड़ेंगे ठीक है अगर आप सिर्फ उपनिषद लिखते जाओगे नो ऑथेंटिसिटी इज गोइंग टू कम इन योर आंसर ठीक है जैसे ब्रिदरंग का उपनिषद है उसमें लिखा हुआ है दो सीख नॉलेज दे गो इन टू हेवन ठीक है अर्थ पर रह जाएंगे ऐसे कुछ आपको फ्रेजेस याद रखने पड़ेंगे तो इसलिए जब उपनिषद टॉपिक करोगे तो एटलीस्ट है। है नीचे अपने साइन कर देना <laughs> yes, I'm saying that, तो जब कर रहे हो इवन दो प्रिंसिपल वाइज तो आप लिख लोगे वही सारे हैं बुद्धिज्म में जो भी है वो उपनिषद से कुछ कुछ चीजें आई है बट फंडामेंटली देर आर सर्टन डिफरेंस ऑल्सो

तो कंसेप्ट क्या था वट वॉज द्रमानिक रिलीजन सो वर लिविंग देयर नॉर्मल डेली लाइफ दे वर गोइंग इन टू वर ट्राइंग टू सीक ट्रूथ वो सारी चीजों पर फोकस था वो श्रमानिक रिलीजन का था विद रेफरेंस टू हैड रूट इन उपनिषद आइडियाज सो उपनिषद आइडियाज के बारे में आपको बात करना है फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का जो कीवर्ड है एड डिस्कस सो यू कैन ऑल्सो डिफर अ बिट फ्रॉम दिस ओपिनियन कि भाई कुछ चीजें बुद्धिज्म में भी डायरेक्टली इनोवेटिव थी देवर ओरिजिनल इन नेचर ऑल द उपनिषद वो आपको लास्ट में लिखना देन सी द लास्ट वन पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द रूलर्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड्स ऑफ द मर्चेंट क्लास टूगेदर प्रोवाइडेड द रिसेप्टिव कल्चरल मिलीव इन विच बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड सो दिस पॉइंट टूवर्ड्स टू थ्री थिंग्स द कॉजेस ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल वही सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है पोलिटिकल में क्षत्रिय रिएक्शन ठीक है ना बिकॉज ब्राह्मणास वाइंग टू मोनोपोलाइज दी पावर एक तरीके से मोनोपोलाइज करे थे रिलीजियस पावर को एंड वॉज ब्रोकन बाय देट वॉज ब्रोकन बाय बुद्धिज्म ठीक है ना लाइक गौतम बुद्ध फ्रॉम विच क्लाइम क्षत्रिय एंड सिमिलरली वी ऑल्सो है Mahavira, he was also a kshatriya. So that's why it is considered as a kshatriya reaction to rise against the Brahmanas. Okay, so you have to write such things when you're going to introduce these things to political needs of the rulers. And why economic needs? What were the problems with the Vedic religion? Sacrifice karo. There was wastage of resources. There was wastage of resources. This was the first thing. And second big problem was. एनी इकोनॉमी टू सस्टेन यू रिक्वायर बैंक ठीक है बैंक के बिना इकोनॉमी चल सकती है क्या इट के नोट्रन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अंटरप्रो क्या चीज होता है लोन हर चीज अंडरमे अपने पैसे तो नहीं कर सकता तो मनी लेंडिंग मनी लेंडिंग एक्टिविटीजर नॉट अलाउड बाई वेदिक रिलीजन दे कंसिडर इट एज एन की इंटरेस्ट ले रहे हो ऑल ऑफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग वट इज द कंसेप्ट जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट पे बट वो इन जनरल चल नहीं पाता है इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता ना बैंक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके करेगा क्या इन्फ्लेशन <laughs> के साथ में नाउ यू अंडरस्टैंड द नाव इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी ठीक है ना अच्छा खासा बढ़ा हुआ है अगर इस टाइम पे आपका जो सेविंग का जो है बढ़ नहीं रही है ऑन ऑन द द हायर रेट देन इन्फ्लेशन रेट इट की मीन आर डिक्लाइनिंग एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द वर्किंग क्लास की वर्किंग क्लास की जो सैलरी है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती तो है तो तो को करती है वही पे आपको बतानी थी कि भाई मनी लेंडिंग एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ दिस suffered ठीक है एंड रिलीजियस पावर वॉज बिंग मोनोपोलाइज बाई द्राह्मणास विच वॉज नॉट लाइक बाय क्षत्रिया बिकॉज इन वर्ना सिस्टम एट द टॉप हुआ इकोनॉमिक स्टेटस स्टेटस नीड्स ऑफ मर्चेंट क्लास बिकॉज मर्चेंट क्लास से कितना भी पैसा आ जाए तब भी कौन से नंबर पे आते थे थर्ड से पहले तो आप आई नहीं सकते so so बुद्धिज्म में जो था अपना का जो रूल था देर वेरी कंसिडर टुवर्ड्स दी मर्चेंट क्लास ठीक है ना कि भाई कोई स्लेब भी है तो विदाउट दिटी ऑफ द मर्चेंट दे के कम एंड एंटर द संघा ओके सो दुद्धिज्म Because they had backing of political class, they had backing of merchant class, and they were in a cultural milieu specifically in eastern Gangetic Valley where Vedic religion was not that much dominant. Okay, so all these things you are going to discuss. Anyway, Buddhism, Jainism remains an important topic for you, and you can expect portion more on Buddhism than Jainism. Then comes Mauryas, Revival was

अबाउट द नेचर ऑफ मॉडियन स्टेट बट ऑनली ऑन द बेसिस ऑफ अर्थशास्त्र हेयर दे आर्स हेयर दे आर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द सोर्सिस बट हेयर दे आर्स ऑनली ऑन द बेसिस ऑफ अर्थशास्त्र दैट इज द डिफरेंस इन दीज टू क्वेश्चन बिकॉज जब हम हाईली सेंट्रलाइज की बात करते हैं सो हाईली सेंट्रलाइज कैसे बनता है एनी एडमिनिस्ट्रेशन वट शुड बी देशिक रिक्वायरमेंट टू सेंट्रलाइज एवरीथिंग

अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो सेंट्रलाइजेशन कैसे करोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन दो यू हैव ब्यूरोसी बट वहां तक पहुंचते पहुंचते इंफॉर्मेशन कितना टाइम लग जाएगा ठीक है देन यही एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं हम मौरियाज में कम्युनिकेशन नेटवर्क वॉज नॉट दैट मच डेवलप्ड सेकेंड यू सी मौर्या जो था ऑलमोस्ट इंडिया था एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का भी ईस्टर्न पार्ट सो दैट वॉज पार्ट ऑफ मौर्याज इफ यू सी द इंस्क्रिप्शन एंड अफगानिस्तान ट्रांसलेशन विच हैल सी की तरह प्लांट स्टील का पौधा यही तो इसी के ऊपर तो प्रोटेस्ट हुई थी <laughs> है ना इसी के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया था उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेशन किया था दूसरे so इस वाले क्वेश्चन में तो हम बोलते थे कि इवन दो द टेंडेंसी इज टूर्ड सेंट्रलाइजेशन बट वी कैन कैनॉट कंसिडर इंडली सेंट्रलाइज हम इंस्क्रिप्शन को भी यूज कर लेते हैं वी यूज इंडिका ऑल्सो वी यूज अर्थशास्त्र ऑल्सो अर्थशास्त्र बट डू यू कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट अर्थशास्त्र यस यस प्लीज कम सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉरियन अर्थशास्त्र वी हैव टू इट है इज स्टेट बिकॉज इट इज अर्थशास्त्र विच प्रोवाइड पर ट्वेंटी सेवन कैटेगरीज ऑफ अध्यक्ष हैं इतने सारे हमारे स्पाई सिस्टम है सप्तंग राज्य का हमारा कंसेप्ट है सो ऑल दो अगर हम सिर्फ परस्पेक्टिव ले अर्थशास्त्रा का तो देस इट इज एज ए हाईली सेंट्रलाइज स्टेट ठीक है सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन आग बंद करके जो क्लास में पढ़ा वो लिख के मत आ जाना कि इस बार ये पढ़ा था तो ये लिखाते हैं इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट अलग है बिकॉज दे आर सेइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ यस यस बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द सोर्सेस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द सोर्सेस ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आप वो बनाओगे ये न्यूक्लियस एरिया है ये कोर है ये पेरीफेरी है ओके दैट इज डन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस बट यहां पे क्या सोर्स पूछा आपसे ओनली अर्थशास्त्र तो इसमें वो ऊपर वाले का आंसर

ठीक है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है सिर्फ उसके फीचर्स हमें बता दो मेन सोर्सेज ऑफ इट बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि हमारे पास डायरेक्ट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द सेम पीरियड आर वेरी लेस एंड टू दे आर नॉट कॉम्प्रीहेंसिव सो वी पे हमें कॉइन के ऊपर डिपेंड करना जैसे ग्रीक है we have to depend upon

गुप्ताज में भी जो ज्यादा फोकस है आज की डेट में दैट इज इधर ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेशन तो पूछना इन्होंने काफी कम कर दिया है पहले से ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन टू ड्यूरिंग गुप्ता एंड पीरियड बिकॉज बोथ ऑफ पीरियड्रीज तो दोनों से मिला जुला के क्वेश्चन पूछ लिया है देन द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स लैंड ग्रांट्स इज वन टॉपिक ऑन विच यूपीसी लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन 2013, 14, 15, then Kusal stop kiya, 19 with again asked the same system of land grants. So you have to understand the chronology of land grants in India and its impact on society. That is an important topic. Then Sanskrit literature they asked specifically, and finally, last year they asked how did the Varna Ashma, dharma manifest the increasing social complexity in the Gupta and Post-Gupta Ved arising from social and economic development.

लैंड ग्रांट्स सतवाना सतवाना है ना क्वीन नागा निगा की है तो so, इंट्रोडक्शन में कभी भी करो तो उसमें क्रोनोलॉजी वाइज यू कैन आंसर ठीक है तो यहां से ये स्पीच पे फोकस करेंगे देन साउथ इंडिया एज ए होल अगर हम लें तो दे आर वेरी फ्यू थिंग्स फ्रॉम वेयर यूपीएससी आस्किंग क्वेश्चन वन चोलास ठीक है so, तो चोलास में भी थीम्स क्या है लोकल सेल्फ गवर्नेंस अब उनको पता नहीं क्या एक मजा आने लग गया है पद्म पुराण के श्लोक आपको दे दिए थे कि इसको इसको समझा दो एक बार ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ोगे वहां बैठ के वहां तो इट इज नॉट पॉसिबल एनी वे तो भक्ति एमरजेंस ऑफ भक्ति ड्यूरिंग दैट पीरियड ओके देन संगम लिटरेचर

बट भक्ति में हमारे जो ज्यादा क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं द कम इन मीडियबल इंडिया रेदर देन एंशेंट इंडिया दिस इज एन आउटलेयर ओनली एक बार उन्होंने पूछ लिया बस किसी तरीके से अदरवाइज इन एंशेंट इंडिया मेजर क्वेश्चन इज फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भक्ति मूवमेंट इज इट क्लियर सो ये थीम आपको समझ में है वन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग यूर प्रिपरेशन फॉर एंशेंट इंडिया इवन बिफोर ज्वाइनिंग दिरीज सो आई वुस्ट कि अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए इन चीज़ों पर काम करना

one theme from where every year question are coming early medieval india now it is up to upsc kabhi wo isko puchhenge ancient mein kabhi puchhenge medieval mein but any every year you are going to see questions usko aap nahi chhod paoge theek hai and literature is one more theme theek hai na ab pehle medieval mein zyada puchhte the but i am thinking now they are going to ask more question with respect to literature in ancient india So, उसको नोट डाउन कर लेना जाएगा बट लिटरेचर इज वन डॉमिनेंट थिंग फ्रॉम एक्सपेक्ट क्वेश्चन नाउ लेट अस सी अर्ली मिडिएवल इंडिया ट्रेस एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ तान इन एंशियंट इंडिया विद एक्साम्पल दिस क्वेश्चन वॉज बाय यूपीएससी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन इन मिडिएवल उसी को ही एन्शिएंट इंडिया में पूछ लिया सेम पता नहीं तांत्रिकिज्म से क्या प्यार है कौन से प्रोफेसर part, नहीं प्रोफेसर आए हैं एंड ही इज वर्किंग ऑन दिस स्पेसिफिक पार्ट है ना तांत्रिकिज्म देन वी सी क्रिटिकली एनालाइज द नेचर ऑफ कास्ट एंड जेंडर रिलेशन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड बिकॉज़ ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि भाई इफ देयर वाज फ्यूडलिज्म देयर वाज इंक्रीज इन द स्टेटस ऑफ शूद्रास एंड देयर वाज लोअरिंग डाउन द स्टेटस ऑफ होम वेश्यास ठीक है दिस वी नो कि कास्ट सिस्टम में ये चेंज हुआ था अलोंग विद दिस देयर वाज प्रोलीफरेशन ऑफ कास्ट ठीक है एंड इेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम पीपल हु हैविंग लैंड दे गॉट द टाइटल ऑफ राजा तो ये कास्ट सिस्टम में चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड पीरियड इफ वी वी सी सी द जेंडर दिस इज अ वेयर मेनी क्वींस दे स्टार्टेड कमिंग टू पावर ठीक है चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो तेलंगाना में हो ठीक है सो मेनी क्वीन केम टू पावर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड सो जेंडर रिलेशंस में आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है कि वन हाईलाइट इज दे बिकमिंग रूलर बट एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ इविल्स आर एसोसिएटेड विद दे दे बिकेम टू अर्ली पीरियड बिकॉज वर कांस्टेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन वर नॉट कंसिडर मोर ऑफ ह्यूमन दे वर कंसिडर एज प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी तो प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग टाइप के इविल्स स्टार्टेड गेटिंग एसोसिएटेड विद देम So, this is the reason why we see more evil susceptible gender relation. Is it clear? So, such questions are coming from early medieval India, where you have to think a lot, otherwise answer likhne mushkil Then again you can see large number of land grants thicken up. it led to expansion of agriculture. Now, this expansion of agriculture in early medieval India is a very important concept which you need to understand, because brahmanas they were being given a lot of land by the new rajas. Okay. All of of you understand what was 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 happening early medieval period. There there fragmentation fragmentation, political power. Since there was fragmentation, every every new new person or every new king required legitimacy. A legitimacy कैसे आती है दान और से. ना पास भी ऐसे होते अभिषेक करा देंगे इस बारे पेपर से पहले तो पास हो जाएगा इस बार ठीक है ना तो वो दान दक्षिणा कंसेप्ट भी था देर इज नथिंग डिफरेंट सोसाइटी ऐसे ही चलती रहती है ओके okay. सो so was एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वी अंडरस्टैंड बट ट स्पेसिफिकली आउट हाउ डिड मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोलिक रिसोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन वर्क फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड सो हेयर यू हैव टू राइट अबाउट जो भी नई टेक्नोलॉजीज हमारी थी चाहे अरघट्टा की हो ठीक है या टैंक इरीगेशन हो या जो भी हो जो भी टेक्नोलॉजी आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू इरीगेशन और वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि हाउ दैट ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन देन दे आर रिलेशनशिप बिटवीन

अर्ली मिडिएबल इंडिया यू हैव टू गिव अट ऑफ फोकस ऑन दिस थीम बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन लाइक इफ यू सी दिस इयर दिस क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन केम फ्रॉम अर्ली मिडियाबल इंडिया टू केम इन एंशेंट इंडिया एंड वन केम इन मिडिएबल इंडिया ओके इज इट क्लियर तो अगर दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ एक थीम से तो आई वु से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए दिस इज वन थीम विच वीर गोइंग टू डिस्कस मैं आपको पीपीडी शेयर कर दूंगा सो so, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है बट एनालिसिस तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है क्या पढ़ना है so this is something giving you a way कि ऐसे जाना ठीक है कम से कम लड़ाई तो कर पाओगे फिर नाउ सी लिटरेचर इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ लास्ट तीन चार साल में आ गए ये 18 में आया था फर्स्ट टाइम जिस साल मैंने पेपर दिया डिस्कस द लिटरेचर इट इन हिंदी इन मुगल इंडिया लिटरेचर हमें वैसे कुछ नहीं आती थी हिंदी की और पूछ ली तो रामचरित मानस लिख के बैठ गए शांति से ठीक <laughs> है उसके अलावा कुछ याद ही नहीं कि बस तुलसीदास के बारे में थोड़ा बहुत पता है हमको <laughs> तो एक एक लाइन लिख के बैठ गए ठीक है क्या करना आगे दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एटीन कि जहां से लिटरेचर को बॉम्बार्ड करना शुरू किया इन्होंने ओके नेक्स्ट रोल ऑफ सूफी फॉर इन्होंनेचर डिफ्यूजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया देन पर्टिकुलर ऑफ संस्कृत इन मुगल इंडिया एम एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर इन टू पर्सन लैंग्वेज आइडेंटीफाई डिफरेंटेगरी ऑफ पर्शन विच एमर्सिंग कैन यू सी हाउ मेनी क्वेश्चन आता है कभी मुगल से आता है सो डोंट लीव इट बिकॉज आई नो इन योर नोट्स ये लिटरेचर करके टॉपिक नहीं होगा ठीक है कोई नहीं पढ़ता इसको कोई फैकल्टी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता

ज्यादा क्वेश्चन लिटरेचर में अभी तक दे आर कमिंग फ्रॉमल इट सेल्फ एंशियट में तो बहुत ही कम आया है अभी स्टार्ट इंट्रोड्यूस किया है लास्ट ईयर पहला क्वेश्चन था वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन दे आर ऑल्सो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लाइक अब आप सोचो पन्हनी की अष्टदही है तो दे कैन आस्क ग्रामर ग्रामेटिकल सारी बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है इन एंशियट इंडिया पन्हनी के ऊपर आ सकता है पतंजलि महाभास आ सकता है बाद में और ये तो सिर्फ आप नॉर्थ का सोच रहे हो बट वेन यू गो टू साउथ वी हैव लैंग्वेज ठीक है ना पीएम के ऊपर आ सकता है सो so, वो आपके ऊपर है सोचने के ऊपर इसलिए जब भी एंशेंट इंडिया में जब हम आंसर लिखते हैं ना आई ऑलवेज टेल कि साउथ इंडिया को मत भूलना साउथ इंडिया को मत भूलना चाहे <laughs> वो फ्यूडलिज्म हो फ्यूडलिज्म बिकॉज दोनों चीजें डिफरेंट थी इंडिया में नॉर्थ में कुछ और चल रहा है साउथ में कुछ और चल रहा है जब नॉर्थ में सबसे ज्यादा बड़े किंगडम्स हुए उस टाइम पे साउथ डिवाइडेड था वे नॉर्थ वाज डिवाइडेड साउथ वाज पावरफुल तो वो दोनों चीजों में थोड़ी डाइकोटॉमी चलती है हिस्ट्री में सो ऑलवेज रिमेंबर साउथ इंडिया भूल जाओगे तो फिर बाद में नंबर कम आएंगे बोला मत क्या रीजन थे एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना तो वो दोनों में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है डिबेट का कि ऐसा क्यों हुआ हां एनीवे नाउ अनदर थीम ऑल ऑफ अस इग्नोर दिस दिस आर्किटेक्चर ठीक है जाके वहां लगता है कि वहां ताजमहल बना ही देंगे ठीक है कुछ नहीं बनने वाला पॉइंट याद करके जाने ताजमहल बनने में कितने साल लगे हैं हो वर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट ठीक है वट इज द ब्यूटी ऑफ ताजमहल वो, आर, वो मतलब देख के तो अलग लगता है ना लिखना पड़ता है मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डू इट ठीक है तो इसमें आपको टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी यू के नॉट राइट कि हाँ भाई चार पिलर दिख रहे हैं मेरे को साइड में नहीं या उनको मीनार बोलते हैं दैट इज नॉट

का मन करेगा भाई नितिन सिंघानिया पकड़ लेते पूरा आर्किटेक्चर कर लेंगे बट वो जरूरत नहीं है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी दीज आर दी ऑल क्वेश्चन यही अपना स्कोप है डोंट गो आउटसाइड इट बस इतना याद कर लो किसका किसने टूम बनाया ठीक है ना उसका आर्किटेक्चर क्या है बस यही ये यह आपका काम है या शाहजहा क्या नए ने नए ने चीजें इंट्रोड्यूस की थी या चार बाग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया था ना

पेंटिंग्स में जब भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली इंपैक्ट या तो इंपैक्ट पूछेंगे यूरोपियन का या फिर अपना सबसे फेमस कौन है फॉर पेंटिंग्स जहांगीर है ना सलीम के बारे में क्वेश्चन आएगा कि सलीम ने क्या काम किया ऐसे मेक एन एस्टिमेटेड डेवलपमेंट पेंटिंग एंड विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू कलर टेक्निक थीम्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन देम बार बार पेंटिंग्स पे क्वेश्चन देन एग्जामिन द बेसिक फीचर्स ऑफ मुगल टूम आर्किटेक्चर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ताजमहल सी टू एक में टूम के ऊपर आया था एक में शाहजहां की बिल्डिंग दोनों को कंबाइन किया लास्ट क्वेश्चन बन गया तो यूपीएससी मेहनत नहीं कर रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछने बिकॉज पता है ये फिर भी पढ़ के नहीं आएंगे मैं हर बार सेम क्वेश्चन डालूंगा ठीक है ना फिर भी ये पढ़ के नहीं आएंगे मुझे पता है दैट मच कॉन्फिडेंस दे आर हैविंग इन अस बिकॉज एज एन एस्पिरेंट हमारा मन करता है अकबर पढ़ लेते हैं अकबर बेस्ट पढ़ के जाएंगे बट वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा दैट इज नॉट और आए भी तो एक ही आएगा ना

एट मिनिमम इलेवन मैक्सिमम इट मीन ऐसी कम से कम से से तो अच्छी होनी चाहिए चाहिए या eight minimum तो अच्छा होना चाहिए. It means कि आपको भी अच्छे करना है लिटरेचर भी अच्छे से करना है तो इन पे काम करना इनको मत इग्नोर करना इस बार अनदर थीम इज एग्रीकल्चर प्रीवियसली यूपीएससी आस एक बार मुगल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया एक बार सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया एंड दिस ईयर दे आज दिस इन अर्ली मीडियबल इंडिया की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा उन्होंने बेसिक आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर मुझे अब तो लगता है कि थोड़ा सा कम ही आएगा एग्रीकल्चर से बिकॉज इन लास्ट थ्री ईयर एवरी ईयर दे आर वन क्वेश्चन काम खत्म कर दिया उन्होंने उसका एग्रीकल्चर का ठीक है बट अब अगर आ सकता है तो इट मे कम इन एंशियंट इंडिया मौर्या और गुप्ता को कनेक्ट करके आ सकता है दैट कैन कम इट कैन कम इन एंशियंट बिकॉज यहां तो दो ही मेन हमारी डायनेस्टीज है मुगल्स एंड सल्तन एंड बोथ हैव बीन कवर्ड बाय यूपीएससी देन प्रीवियसली द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बैटल्स वो कम आते थे बट यू सी पिछले दो तीन साल में कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं द बैटल्स ऑफ तरेन एंड चंदावर पूछ लिया है ठीक है देन दे आस्क्ड यस इन मीडियबल इंडिया न्यू एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वॉल्यूम टू ठीक है

राजपूत से रिलेटेड तो इन्वेजन को अच्छे से करना है दे आर बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन क्यों हम हारे रीजन क्या था क्या गलती हो गई उसके ऊपर कर रहे हैं देन इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नोबिलिटी ऑफ तुगलको नोबिलिटी इज वन थिंग वेयर वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चनिटी बैटल

अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत है दोस्त वन ईयर टू ईयर यार ये वाले क्वेश्चन तो भी संभाल लोगे और आप यही क्वेश्चन करके ना पता पेपर के बाद खुश भी होगे यार वो तो अच्छा लिख दिया था आई नो कि भाई यह तो कोई भी लिख लेगा आई वुड भी हैप्पी अगर आप आर्किटेक्चर अच्छे से करके जाए आई वुड हैप्पी यू कंप्लीट लिटरेचर आई वुड भी कि जो भी साइड एरियाज है ना जो दिखते नहीं है उन पर आप काम करो So those of you who are very दो ऑफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस दो तीन मेन्स हो चुके हैं इन चीजों को मत जाना ठीक है आंसर लिखते हुए हिस्टोरियोग्राफी शुड बी नोन किसने बोला है खल जी रेवल्यूशन मोहम्मद अबीब ठीक है तो वो पता होना चाहिए ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए तो जो अपनी वगैरह क्लासेस होंगी उन सब में हम इन्हीं चीजों पे काम करेंगे कि कहा हिस्टोरियोग्राफी आपकी मिसिंग है उसके ऊपर काम करेंगे देन रीजनल किंगडम्स एंड शेरशाह यहां से भी शेरशाह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक ही बार आया तो बारी में लेकिन रीजनल किंगडम्स के ऊपर पूछ रहे हैं जैसे कि जैनल जैनल इंपॉर्टेंट सोर्सिस में भी क्वेश्चन आता है

जब क्वेश्चन की चॉइस देख रहे हो तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन आएगा जो लिटरली इट इज डिफिकल्ट फॉर यू एंड मी टू हैंडल मिडिएबल डेकन के विलेज की पॉलिटी बता दो कौन सा विलेज ठीक है लास्ट यू सी शेरशाह वेरी इजी क्वेश्चन ट्रेड कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म हैंडल बट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज रीजनल किंगडम्स दे आर इंपॉर्टेंट दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैनोट नेगलेक्ट इट ऑल टूगेदर थोड़ा सा तो पढ़ के आना पड़ेगा

स्टेट दो तरीके के सेंट्स थे ठीक है ना वोअर फेमस अमंग अमंगदी सूफी वैसे तो इनके फोर्टीन सिलसिला थे इंडिया में एक टाइम पे फोर्टीन थे फिर कभी ट्वेल्थ थे चिश्ती एंड सुहावर्दी वर्दी मोस्ट प्रोमिनेंट सुहावर्दी देवर द काइंड ऑफ सेंट्स कि स्टेट के यहां पैटर्नेज लेते मस्ती करते हैं लाइफ में ठीक है एंड चिश्ती हैड डिफरेंट काइंड ऑफ दे वी वी शुड स्टे स्टे पुअर सो दैट कैन क्लोज टू गॉड अगर हम पावर के क्लोज रहेंगे तो गॉड से दूर हो जाएंगे तो दोनों का अलग अलग कंसेप्ट था

गुरु नानक जी वॉज नॉट स्टार्टिंग एनी रिलीजन वो तो यार पूरी सोसाइटी को एक तरीका दिखा रहे थे हाउ टू लिव लाइफ बट इवेंचुअली वट आपको उनका रिलेशन शेयर कराना है कि हाउ इवेंचुअली उन्होंने उसको अपनी लाइफ और सर्वाइवल ऑफ लिए उनको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना पड़ा so, you have to initially think of कि निर्गुणा भक्ति निर्गुणा भक्ति, निर्गुण डिशन ठीक है ना फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गुरुज ऑल्सो ठीक है ना वो आप लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है मुगल्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो मेन थीम्स है सिस्टम्स के ऊपर काम करना थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है इसका जमींदारी सिस्टम ठीक है जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम अगेन जागीरदारी सिस्टम

Then, कुछ कुछ थीम्स दी हुई हैं बी एग्नू में विच आर नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक वॉज देर अर्ली कैपिटलिज्म इन मुगल इंडिया और नॉट क्यों कैपिटलिज्म की तरफ हम डेवलप नहीं हो पाए बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ एटीन सेंचुरी व्हेन यूरोप वॉज गोइंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म फ्रॉम मर्केंटलिज्म इंडिया ने कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट नहीं किया वॉट आर द रीजन डू वर वी हैविंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल फॉर दैट तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को यूज करना है कि कैपिटलिज्म के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रशिप टेक्नोलॉजी ऑल दो पे थे हम तो वो थोड़ा सा आपको वहां से कंपेयर करना पड़ेगा नंबर सी पॉजिज ऑफ बाबर सक्सेस अगेंस्ट इब्राहिम लोधी तो आपकी इन्वेजन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं मिलिट्री चीजों के ऊपर इज इट क्लियर तो जो क्वेश्चन आपके टर्क्स पे आ रहे थे नाउ दे कैन कम इवन ऑन मुगल्स फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल थर्ड बैटल अच्छे से क्रोनोलॉजी के साथ याद रखना व्हाट वर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाउ किसने किस तरीके से उसको जीता है व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड इट सो यहाँ पे उन्होंने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट उन्होंने पूछ लिया है ओके सो मुगल्स में भी जस्ट लाइक टर्किश वो वाला क्वेश्चन है देन वी सी मराठास सो शिवाजी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर कमिंग शिवाजी बट नॉट ओनली मिलिट्री कॉन को बट ऑल्सो रूलर डिस्कस वही चोलास की तरह बस वहां से हटाया शिवाजी का नाम इस बार हटाया चोलास लिख दिया उन्होंने ठीक है दीज आर दी इजी क्वेश्चन देन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी विद स्पेशल रेफरेंस टू शिवा भारत एंड सो इन टू ट्वेंटी स्टार्टेड आस्किंग वेरी लेस नोन लाइक सोर्सिसमिलडा पे क्वेश्चन आया विजयनगर में और यहाँ पे इस पे पूछ लिया था डूइंग सोर्सेस विल टेक केयर ऑफ इट ये तो हम क्यू आई पी में करते हैं कि सोर्सेज में जो ऐसी होंगी उनको तो हमसे हम पांच छह रखो बिकॉज टेन मार्कर को संभाल सकते हैं ना विद्स ड्यूटी उसको देनेचुरी एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन एवरी ईयर इट कैन बी ऑन इनवेजन अफगान सेंचुरी हाउ दे इंपैक्टेड दूगल्स ओके और दे कैन बी विद रिस्पेक्ट टू दी

उन्होंने यही बस सिंपल से पूछ लिया टू वट एक्सटेंट कैन दे बी सक्सेसर स्टेट्स तो उसमें बस आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पीरियड अलॉन्ग विद स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी कैन कंसिडर स्टेट्स और नॉट तो अगर हमने उनको कैटेगराइज कर ही रखा है एज सक्सेसर एट्टी टू एटी फाइव परसेंट तो मानेंगे ही ना देर विल बी सम भी वो हमने वहाँ पे नोट no डाउन करने हैं ठीक है दिस इज एनालिसिस ऑफ पेपर वन दीज आर द थीम्स जिनको आपको अच्छे से चमकाना है ओके okay? जितना ज्यादा हम इन इन चीज के ऊपर काम करेंगे देन ओनली वी कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन पेपर वन मैप का हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं बिकॉज दैट डिजर्व स्पेशल अटेंशन फॉर फिफ्टी मार्क्स रिमेनिंग टू हंड्रेड मार्क्स डिपेंड अपॉन दी एनालिसिस ऑफ प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन विच ऑलरेडी टोल्ड यू द थीम्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इफ यू प्रिपेयर दीज थीम्स वाइजली अच्छे तरीके से करोगे लेट मी अश्योर यू इस बार काफी बच्चों के 140 फोर्टी प्लस मार्क्स आए हैं इन पेपर वन इंक्लूडिंग रैंक वन वन फिफ्टी ठीक है ईशान के वन फोर्टी फोरूडिंग सुनीलो स्कोर वन फोर्टी फोर सो वन फोर्टी फोर तो चार पांच लोग लेके आए पिछले बार टेस्ट सीरीज से सो यू कैन ऑल्सो डू सो बट दो चीज को कम्बाइन करना है मैप अलोंग विद जो आपकी थीम्स है अगर थीम्स पे काम कर लो गचुअली टू गेट गुड मार्क्स कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ना इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड देन यू कैन आस्क मी कोई भी क्वेश्चन हो आपका पेपर वन से रिलेटेड बिकॉज़ आज हमारा दो ही काम था आपको समझाना था कि चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें करोगे नाउ टेल मी फ्रॉम टूडे सेशन सब एक एक बताएंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या नहीं करना है इक्वल फोकस ऑन ऑल टॉपिक्स यू आर नॉट गोइंग टू डू सो समझा दिए ना किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है तो ये नहीं करना था सेकंड अब सोचो कि अब मैं सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लूंगा ठीक है ना अभी तक मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था अब मैं शेखर बंदोपाध्याय का टाइम आ चुका है तो ये दिस इज नॉट द राइट टाइम कि पूरी बुक पढ़ने का इफ यू कोई एक आधी बुक में थोड़ा पार्ट रह गया है दैट कैन बी डन बट अभी सारी स्टैंडर्ड बुक एक साथ तो नहीं कर पाओगे कि उपेंद्र सिंह भी सारी पढ़ लोगे बी ए इग्नू भी सारा कर लोगे इस टाइम पे दैट इज नॉट पॉसिबल सो यू हैव टू रिलाई अपॉन सर्टन मैं संभाल लूंगा और सिर्फ ये ये टॉपिक वहां से पढ़ूंगा दैट शुड बी डन वेरी सेलेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्सपर्टीज कैसी है ठीक है so, सारी बुक पढ़ने का मत सोच लेना अभी थर्ड आंसर राइटिंग से भागना नहीं है दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच टोल्ड यू ठीक है इंपॉर्टेंट थीम्स निकालो और उनके पी वाई की उसके ऊपर

लाइक आई हैव आइडेंटिफाइड पेपर वन वट आर द इम्पोर्ट एरियाज आई आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ पेपर टू टुमारो अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसके अलावा टुमरो हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड स्पेसिकली इनके ऊपर आंसर राइटिंग करो ठीक है इज इट क्लियर क्या हम आंसर राइटिंग भी उन्हीं चीजों पर घर पर ज्यादा करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आंख बंद करके नहीं कोई भी पीवाई की उठा के शुरू कर दिया ठीक है दैट विल नॉट हेल्प फर्स्ट इज बट योर आंसर राइटिंग देखो नॉर्मली लोग ना रिवर्स करते हैं दे स्टडी इन जून एंड जुलाई दिल स्टार्ट आंसर राइटिंग इन अगस्त और सेप्टेंबर में सीधा बैटल लड़ेंगे ठीक है फिर वो टर्किश वाली फीलिंग आएगी क्यों हार गए बट इफ यू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन कैलिब्रेट टेस्ट सीरीज में भी कुछ चेंजेस करने में कर पाओगे नहीं तो आप सारे टेस्ट मेरे पास लेके आओगे सेम टाइप की गलतियां बार बार दिख रही हैं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है इम्प्रूवमेंट विल ओनली हैपन इफ यू डू आंसर राइटिंग एट योर होम उसको इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा ठीक है अगर यहां पे जो लोग एनरोल करेंगे हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं इफ यू कैन डू सो बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहती है इन एवरी ग्रुप कोई एनर्जेटिक रहता है कोई नहीं रहता है दो दिन में कहते हैं मैं क्वेश्चन क्यों दू <laughs> ये मेरे को ये मेरा इवेल्यूएट नहीं करता प्रॉब्लम राइज एनी वे तो फर्स्ट थिंग इज आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेकेंड फर्स्ट रिविजन जो भी करोगे अभी या फर्स्ट जो भी आपका मेनिंग टूर प्रायरिटी पढ़ते वक्त इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना ठीक है ना ऐसे में सोच रहा हूँ कि मेरा एंशेंट हो गया और मेरा मिडियावल बाद में अगले महीने होगा वर्ल्ड सबसे लास्ट में करूँगा नो no. कोशिश करो इनको जल्दी जल्दी साइड बाई साइड निकालने की टेस्ट में तो चलो ठीक है टेस्ट से तीन चार दिन पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लो अपना जो पढ़ा हुआ है एंशंट के लिए जितना सिलेबस है बट एज एन एस्पिरेंट आई वुड से पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करूं ठीक है मार्क्स तो वहीं से आने वाले हैं थर्ड वेन यू ज्वाइन टेस्ट टेस्ट जो है ना टाइम पे लिखना मैक्सिमम लोग क्या करते हैं टाइम पे टेस्ट लिखते हैं पहला टेस्ट तो लिख देंगे जो सेकंड टेस्ट होता है वो 15 दिन बाद लिखेंगे और थर्ड टेस्ट सीधे जाके यूपीएससी में लिखेंगे ठीक है ना दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एन एवरेज एस्पिरेंट और फिर बाद में आके पूछेंगे कि हम फेल क्यों होते हैं फेल हम होते नहीं हैं हम खुद को कर रहे हैं सो दैट्स व्हाई आई वुड से एटलीस्ट दिस बार हमने इसलिए एक ही बैच रखा है देयर इज ओनली वन बैच इसमें टेस्ट होंगे ई वुड से एट लीस्ट एट टेस्ट यू हैव टू राइट एट लीस्ट एट उससे कम में तो बात बनेगी नहीं ठीक है कम से कम आठ टेस्ट लिखना छूट जाए दो तीन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा बट इफ यू आर नॉट राइटिंग मिनिमम एट टेस्ट वेरी लेस चांसेस वेरी लेस चांसेस और टेस्ट सीरीज का फायदा आप समझते हो इन एवरी टेस्ट कितना क्वेश्चन होता है इफ इट इज ऑफ एंशियंट इंडिया एटीन क्वेश्चन प्लस टू मैप क्वेश्चन मीडिया में कितना होता वॉट एपन्स आप टेस्ट नहीं दोगे और टेस्ट नहीं दोगे तो इसलिए आप डिस्कशन नहीं देखोगे क्योंकि तो मैं चीटिंग नहीं करना चाहता लाइफ में ठीक है ना ये रहता है नास्पेक्टिव दिस इज द दर्सपेक्टिव बिकॉज इफ आई वॉच द डिस्कशन तो फिर मैं आंसर लिखूंगा कैसे दिस इज द सो क्या होता है आपकी रिविजन भी रुक जाती है सपोज इफ आई एम टेकिंग डिस्कशन तो कम से कम अठारह टॉपिक्स तो अच्छे से हो जाता है ना उस टेस्ट के बाद वो रह जाता है अगेन मिडियवल में अब यहाँ पे मैप क्वेश्चन तो आएगा नहीं तो आई गिव ट्वेंटी आप तो पांच ही लिखेंगे बट डिस्कशन तो मैं सारों की करूंगा ना आपके सामने तो वो रुक जाएगा तो अगर आप देखोगे हर किसी को मल्टीप्लाई बाय टू करो पहले इतने टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे विद इन सेक्शनल टेस्ट विद इन एट सेक्शनल टेस्ट ओके सो इफ यू नॉट गिव ऑन टाइम तो आप ये भी नहीं कर पाओगे दिस विल ऑल्सो गो अवे ठीक है तो एक आज घर जाके प्रण लेना है कि आई विल गिव माई टेस्ट ऑन टाइम अगर ऐसा नहीं फीलिंग आती है तो टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो प्री फोकट में स्टूडेंट को पैसा नहीं हो कोई मतलब नहीं है राइट right. टेस्ट सीरीज का सिर्फ एक पर्पस है दिस इज फॉर योर ओन एनरिचमेंट कैसे इसको यूज करके रैंक लेके आना है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो 300 तो भूल जाओ है ना तीन की जगह दो आता है So make sure you give it on time. तो मेक श्योर यू गिव इट ऑन टाइम देखो मैं आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ मैंने भी करी हुई ये सारी चीजें ये सारी चीज मेरे थ्रू हो चुकी हैं मैं खुद डिले करके कि नहीं आज थोड़ा और पढ़ लेता हूँ है ना आज एक हिस्टोरियन से मिल के आ जाता हूँ शायद उसके बाद ज्यादा नंबर आ जाएंगे नहीं आते थे कभी नहीं आते थे लास्ट में जो दिमाग में भरा हुआ ना वही भूसा निकलता है पेपर पर पे। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो यू हैव टू ट्रेन यूर वेरी हार्ड तो इसलिए डेली आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट जब वो चेंज होने लग जाएगा तो आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा दीज आर दिंग्स आई वॉन्ट यू टू कंसनट्रेट अपॉन ठीक है कि अपना ढंग से सिलेबस कवर तो करो बट सिलेबस कवर करते टाइम देर आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एरिया उन पर काम करो देखो इस साल टॉप वन फिफ्टी में वी हैव मोर देन टेन टू ट्वेल्व स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल इतना आ गए इस बार इतना परसेंटेज रिजल्ट रिजल्टी में आना डिफिकल्ट होता है कभी वो एंथ्रो में अच्छा आता था कभी पॉलिटिकल साइंस में आता है इस बार आपका हिस्ट्री में आ चुका है और जब कोई ट्रेंड आता है तो वो कम से कम तीन साल चलता है अब ये जो ऐसा था ना कि अप एंड डाउन साइन वेव समझते हो ना तो अभी हम यहाँ पे ये फिर यहां से यहां तक आएगी इट एवरी ऑप्शनल एक टाइम पे पबर्ड जो देता था, था ना वो पास होता था 2010, 11, फिर 12 में ऐसा ऐसा भोचाल आया पा, पा के साथ में कि दोनों पेपर मिला के दस दस नंबर भी आए काफी लोगों के सीरियसली मतलब नॉट जोकिंग आई नो वन पर्सन मैं 2012 में ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए घूम रहा था इधर से उधर बिकॉज थर्टीन में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी तो आई मेट वन पर्सन तो किसी ने मुझे बोला था कि पा बैड ले लो तो so वो मुझे मिला <laughs> मैंने कहा यार अच्छे नंबर लाने हैं तो कौन सा ऑप्शन हो तो उसने कहा कि क्या सुना फिर तुमने <laughs> किसी ने पबड़ बोला मुझे कह आ जाएंगे बस दस पेपर दे देंगे मेरे दस तो आ ही गए थे दो पेपर में बस मल्टीप्लाई कर लेंगे सो एवरी पेपर एवरी ऑप्शनल की साइकिल आती है कभी आपकी साइकिल अब स्टार्ट होगी अब आप देख लो कहा तक पहुंच सकते हो सबसे अच्छा टाइम सिलेक्शन का ये होता है वेन यूपीएससी इज रिवॉर्डिंग योर ऑप्शनल एंड इट कम्स बीस में कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा नहीं था लेक्शन उसको यूपीएससी ने किस में चेंज कर दिया केस में रैंक वन ही दे दिया आपको चलो बी हैप्पी इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं हो सकता नाउ दिस इज योर ईयर नंबर ऑफ सीट ज्यादा है इस बार कितनी सीट ज्यादा है तीन सौ तीन सौ ज्यादा है तीन सौ लोग ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं ठीक है ठीके? उन तीन सौ में आ जाओ तो उसके लिए अपने ऑप्शनल के ऊपर काम करो और प्रीवियसली कोई काम नहीं कर रहा था हिस्ट्री ऑप्शन तो में ऐसे कि आपको मैप के लिए कोई अलग से समझा रहा है पी वाई क्यों आपको रोज़ समझा रहा है ये आ रहा है ये सारी चीज़ें आई हैव डन एज एन एस्पिरेंट आई हैव ट्राइड आई हैव फेल्ड किसी तरीके से फिर बहुत अच्छे नंबर भी आए देन इवेंचुअली आई थॉट कि नहीं मुझे इसी प्रोफेशन में आ जाना चाहिए सर्विस छोड़ के तब आप लोगों के पास एक बंदा है जो आपको इसी से समझा सकता है क्या करना है और क्या नहीं करना है एज ए फैकल्टी मेरे लिए बहुत आसान है ये सब ना बताना कहाँ जाओगे नहीं तो टेस्ट सीरीज करने यहीं आओगे घूम फिर के बट मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट निकले आई नो द पेन फ्रॉम योर साइड वो एंग्जाइटी जो हर रोज आती है ना एस्पिरेंट के अंदर है ना ए फॉर एस्पिरेंट ए फॉर एंग्जाइटी एवरी डे इट कम्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया उनको नहीं आएगी जो एक अटैम्प दे लेता है ना उसको आ जाती है वो कि वो यार पीटी हो गया अब क्या करूं मेन्स में ना ये टॉपिक तो हो गया अब क्या करना है जिस दिन ऑप्शनल पढ़ोगे उसने लगेगा जीएस नहीं पढ़ा दिन जीएस पढ़ोगे लगेगा ऑप्शनल नहीं पढ़ा दिन दोनों पढ़ लगे दोनों ही नहीं पढ़े दोनों so it, it anxiety, ये सारी को हैंडल करना टफ टास्क बट यहीं से ही आपका लाइफ लॉन्ग यही यही कैरेक्टर आपको ऊपर लेके जाएगा सो आई वेरी वेल पेपर वन हमने पूरा ढंग से डिस्कस कर लिया है सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं विच यू शुड नो इवेंचुअली ठीक है हमारे यहां जो मॉडल आंसर होंगे इन टेस्ट इन दैट तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम वन वी आर गोइंग टू गिव यू वन अप्रोच बॉक्स ठीक है फिर आपका पूरा मॉडल आंसर होगा लास्ट मेंॉक्स वट वी डू जो भी की वर्ड्स है और जो हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट है so जैसे ही आप टेस्ट दोगे उसके बाद जो वैल्यू एडिशन बॉक्स होंगे इनको आपको लास्ट में अलग से भी रिवाइज करना है इज इट क्लियर बिकॉज सिर्फ डिस्कशन नहीं लास्ट में आपको बिकॉज दे कैन बी रिवाइज इवेंचुअली पांच दिन का गैप मिलता है ना आपको बिटवीन जीएस मे एंड ऑप्शनल के दो पेपर पांच दिन का टाइम मिलेगा ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन इजिली रिवाइज इट तो वैल्यू एडिशन बॉक्स पे बैंक कपोन कर सकते हो ठीक है तो वो चीज करना दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एनीथिंग एल्स यू विश टू आज तो पूछो शेड्यूल ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट होगा फिर पर वीक ही है फर्स्ट टेस्ट फिल स्टार्ट विद एंशंट इंडिया तो शेड्यूल हम आपको इवनिंग में डाल दे, देंगे ग्रुप पे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा बारह टेस्ट होंगे इट विल स्टार्ट विद एंशंट इंडिया एवरी वीक टू बी वन टेस्ट ठीक है ना बारह टेस्ट है ना तो लास्ट के जो टेस्ट हैं वो तो फिर आपके सेम डे रहेंगे दो फुल लेंथ टेस्ट होंगे ना पेपर वन प्लस टू अगेन पेपर वन प्लस टू बट जो एट सेक्शनल टेस्ट है देर बी वन एवरी वीक लास्ट में फिर आपके दो फुल मोकलैंड मॉक टेस्ट हो जाएंगे सो so दैट यू कैन गेट द सेम काइंड ऑफ फीलिंग दैट है नहीं तो जो पहली बार जो पहला मीनस लिख रहे होते न, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है वहां जाके लिख रहे होते ऐसा लगता है यार कब खत्म ये? बट इट कैरीज ऑन करना पड़ता है छोड़ नहीं सकते ठीक है ज्यादा so इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि ये जो आर्ट सेक्शनल टेस्ट है इनमें ढंग से पढ़ाई करना और टाइम पे टेस्ट देना सो देट वी कैन इवेल्यूएट इट ऑन टाइम ठीक है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आप अभी तो टेस्ट लिखोगे नहीं ठीक है इट ईयर जून में लिखोगे जुलाई में एक टेस्ट लिख के दोगे मेरी सुनहरी कॉपी आप चेक करके दिखा दो देन इन अगस्त आप पांच छह टेस्ट एक साथ पकड़ाओगे तो उस टाइम पे सारे लोगों की कॉपी रहती है डू यू थिंक फैकल्टी के पास सबसे ज्यादा टाइम कब होगा नाउ और इन अगस्त इफ यू वॉन्ट टू यूज माई सर्विसेज मुझसे ज्यादा मिलना चाहते हो अपनी कॉपीज वगैरह लेके तो गिव टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट जब भी से स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी सिक्स से ठीक है अभी जून और जुलाई में ही मैक्सिमम टेस्ट लिखो सो देट आई कैन गिव यू समर आउटपुट क्या आपको करना चाहिए किस तरीके से अदरवाइज लास्ट में तो यार फिर क्या चेंज करा दूंगा मैं पंद्रह दिन में आपका इट्स नेक्स्ट टू इम्पोसिबल ठीक है अपनी आंसर राइटिंग क्लास होंगी फ्रॉम ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव तो अगर किसी ने कुछ आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं यू कैन कम टू द्लास वो लेके आ जाना ऑन फ्रॉम ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस किस कैटेगरीज में कैसा कैसा आंसर लिखना होता है सपोज इफ ए क्वेश्चन कम फ्रॉम सोर्सेज तो आंसर क्या लिखना है क्या ब्रॉड पॉइंटर्स होने चाहिए सो विल मेक सम समेम्पलेट्स कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता है तो वट शुड बी माई पॉइंट्स इफ क्वेश्चन कम्स ऑन इकोनॉमी वट शुड बी माई पॉइंट्स ये सारी चीजें हम चार दिन बैठ के यही काम करेंगे फिर हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी सो so दैट कि मुझे जो भी इनपुट आपको प्रोवाइड करना है मैं पहले ही कर दू आंसर राइटिंग के लिए फिर आपकी इंडिविजुअल कॉपी देखी जाएगी ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके क्वालिटी इंप्रूवमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता कि इन दैट आई टीच स्पेसिफिक टॉपिक्स तो सपोज इफ यू सी एंशंट इंडिया तो उसमें मैं आपकी ए क्लास पूरी सोर्सेज पे ले रहा हूँ एक में पूरा डिबेट्स पे ले रहा हूँ तो कभी लोग क्या होता है ना वो मार्केट में जैसे नोट्स आपने पढ़ लिए उसमें क्या चीज मिसिंग है सोर्सेज नहीं है डिबेट्स नहीं है या फिर जो स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन वो नहीं है उसकी मैं अलग से सिक्सटीन क्लासेस लेता हूँ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम सपोज देआर जो बुक में मिलता नहीं है सपोज अगर आपने हर्षवर्धना के बारे में नहीं पढ़ा अच्छे से तो वो मैं क्लास में कवर कर देता हूँ या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला आपको तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे कवर हो जाता है तो जो टॉपिक्स विच आर नॉट कवर्ड बाय स्टैंडर्ड बुक्स एंड आर आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं सारे उनमें कवर कर लेता हूँ पर क्लास हम कम से कम आठ से दस टॉपिक करते हैं तो सिक्सटीन क्लासेस में आपके मोर देन वन टू टू टॉपिक्स डिपेंडिंग अपॉन किसी किसी क्लास में ईजी टॉपिक्स होते तो जल्दी जल्दी कवर हो तो वो आपको नोट्स के साथ में क्लास में कवर कर देता हूँ तो उससे बस ये फायदा रहता है कि इस टाइम पे जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का आप सोच रहे होते हो पॉसिबल नहीं है है ना यहाँ पे कुछ तीन चार फाउंडेशन के बच्चे बैठे हुए तो अभी भी नहीं पढ़ते स्टैंडर्ड बुक्स <laughs> लास्ट टाइम पे क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे मुझे पता है <laughs> यस होता है कुछ लेवल तक जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में मैप हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम सिक्सटींथ मैप कंप्लीट जैसे हो जाएगा तभी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सो so दैट कि अगर मैप अच्छे से नहीं आता तो मैप करके फिर उसको कर सको एंड सिमिलरली जैसे कि आपका एंशियट का टेस्ट होगा उसी के पास आपकी एंशियंट की क्लासेस होंगी फिर आपकी मिडिएवल मॉडर्न और वर्ड उसका भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर देंगे टेस्ट से पहले होंगी मोस्टली फिर पहले के भी थोड़ी सी बात होगी बात वाले टेस्ट तक हम पहले ही कवर कर चुके होंगे आपको आज इवनिंग तक हम दोनों शेड्यूल दे देंगे टेस्ट सीरीज का भी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के भी सेशंस का उनके हम आपको टॉपिक लिस्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि किन किन टॉपिक्स पे हम काम करना चाहते हैं जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया था विच केम इवेंचुअली इन दी हॉल ठीक है जैसे मान लो हमने मेगा पे काम किया सपोज आप खुद से नहीं करते ना उस पर आप उसको छोड़ हैं या फिर गांधी जी की डिबेट्स हैं वो हर बार हर किसी को करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बट वी डू दैट इन द क्लास तो इसलिए इस टाइम आपके पास क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वान्टिटी अब मॉडर्न में आपको पता है कि गांधी जी की डिबेट आएगी आती है ना चाहे वो नॉन कॉपरेशन पे पारे आए चाहे सिविल डिफेंस ऑबिडेंस खिलाफत से रिलेट करके आए या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट बट आएगी जरूर तो हमारा काम ही वही है कि एक लेक्चर में मैं आपको आधा टाइम बस यही समझाऊं कि किस डिबेट में क्या लिखना है इफ इट कम्स उसी से आपका मार्क्स बढ़ेगा ठीक है so, सो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम टू पी एम विल डिस्कस द क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या क्या चीजें करने वाले हैं एंड इवेंचुअली पेपर टू का ट्रेंड एनालिसिस तो ये तीन सेशन जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन भी एक बार अच्छे से देख लेना देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द ऑप्शनल फिर मार्क्स आएंगे और अच्छे आएंगे ठीक है ठीक है दो चार क्वेश्चन आदित्य इफ आर वॉचिंग वी आर गोइंग स्टार्टिंग विथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्लासेज वो एक तरीके थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप ही होता है यस, यस सौरभ विल प्रोवाइड द पीडीएफ डोंट वरी उस जो होता है आप उपेंद्र सिंह के काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं कवर कराई देता हूँ बिकॉज फ्रॉम योर ऑन साइड एक साथ इतना कर पाना इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट चलो ठीक है फिर ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करो